बिहार के गया में नेशनल हाईवे 2 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में इनोवा कार पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का बेहतर उपचार के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार इनोवा कार बनारस से झारखंड के बोकारो की ओर जा रही थी। इसी क्रम में गया जिले के आमस थाना अंतर्गत महापुर के पास नेशनल हाईवे 2 पर असंतुलित होकर पुल की रेलिंग से रूप में भीषण तरीके से टकरा गई। इससे कार के पर खच्चे उड़ गए। घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। टक्कर के बाद काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों और आमस पुलिस के सहयोग से घायलों को कार से बाहर निकाला गया और प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र आमस में भर्ती करवाया गया। वहां के चिकित्सकों द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया, किंतु स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें मगध मेडिकल कॉलेज गया रेफर कर दिया गया। मृतक की पहचान झारखंड के बोकारो जिला के रहने वाले 38 वर्षीय राकेश कुमार, 10 वर्षीय अनमोल कुमार के रूप में की गई है। वहीं घायल हुए लोगों की पहचान 45 वर्षीय जसवंत कुमार, 48 वर्षीय बलवंत कुमार और 45 वर्षीय रेखा देवी के रूप में की गई है। घटना की जानकारी के बाद आमस थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, आईटीआई, NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।